और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो भाई अब तो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुका 2024 के लिए। अब 2025 में फॉर्म आएगा। अब 2025 में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से लग जाए, क्योंकि सीट्स बहुत ही कम होती हैं क्लास 9th के लिए। और अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो भी एक साल में आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। उसके लिए करना क्या है, कोई पेमेंट नहीं करनी है, कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है, कोई खास ऐप नहीं डाउनलोड करना है, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। लेकिन आज की जो वीडियो है ना बहुत ही खास होने वाली है, कि इस साल जो 2024 में जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम दिया, खासकर यूपी के बच्चों के लिए जो यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ से काफी नजदीक पड़ेगा, तो एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करता हूँ जिसकी फैसिलिटी सेम नवोदय विद्यालय की तरह ही है। और उस स्कूल का नाम है CHS। आप पूछोगे कि ये क्या है CHS, भैया इसका नाम है ना सेंट्रल हिंदू स्कूल। क्या है ये हमारा सेंट्रल हिंदू स्कूल। आप देखो भाई, सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल, ठीक है, ये स्कूल जो है ये बनारस में है यानी वाराणसी में, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है, जिसमें क्लास 6 टू 12 के बच्चों की पढ़ाई होती है, क्लास 6 टू क्लास 12, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि भाई इसका एडमिशन कैसे होता है। काफी सारे देखो जो भी गार्जियन अपने बच्चों को BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, उनका सपना है कि भैया उनका बच्चा, या जो बच्चे जिनका सपना है कि बड़े स्कूल में पढ़े, वो इसका फॉर्म जरूर भरे। अब ये बात दिमाग में आती कि सर इसका फॉर्म आएगा का। देखो इसका जो फॉर्म होता है वो हर साल मार्च के मंथ में आता है, इन मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च के महीने में आता है, और अप्रैल तक ये फॉर्म फिल किए जाते हैं। कौन से बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, जो बच्चे अभी के समय में क्लास 8 में है, ठीक है, क्लास 8 में है, वही बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। दोनों तरह के बच्चे, जो बच्चे क्लास 5 में है, ठीक है, क्लास 5, वो बच्चे क्लास 6 के लिए फॉर्म भर पाएंगे, जो बच्चे क्लास 8 में है वो क्लास 9 के लिए फॉर्म भर पाएंगे, और जो बच्चे क्लास 10 में है वो बच्चे क्लास 11 के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग है, सभी सभी के सभी क्लास का एडमिशन बिल्कुल जैसे नवोदय में सैनिक स्कूल में होता है सेम वैसे ही, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि भाई इसमें बॉयज के लिए अलग हॉस्टल और गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल अवेलेबल है, ठीक है, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि हम लोग सैनिक स्कूल में देखे थे कि क्लास 9 में गर्ल्स के लिए कोई एंट्री नहीं होती, मतलब गर्ल्स उस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकती थी सैनिक स्कूल को। लेकिन अगर हम सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करें तो इसको गर्ल्स और बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो यहां पर मार्च में इसका फॉर्म आ जाएगा, अप्रैल तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाओगे। अगली चीज, जो भी जब भी नोटिफिकेशन आएगी आपको सारी चीजें इसी चैनल पर बता दी जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई किसी चिंता की बात नहीं। इसका जो एग्जाम होगा, ठीक है, वो आपका मई लास्ट या फिर जून के 15 जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एडमिशन कब होगा भैया आपका, तो एडमिशन जब भी होगा, ये मई में इसका, मतलब ये मार्च में अगर फॉर्म आता है तो एक महीने कम से कम फॉर्म भरा जाता है, तो मई या जून तक इसका एग्जाम होता है। तो मतलब कुल मिला के तैयारी के लिए आपको 3 महीने का समय मिलेगा, तो काफी ज्यादा टाइम मिलेगा आपको। अब ये बात आती है कि भाई इसमें आता क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या है। तो देखो क्लास 6 या फिर क्लास 9 या फिर क्लास 11 सभी बच्चों के लिए, ठीक है, इसमें आपका हिंदी, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण इंग्लिश, ठीक है, साइंस यानी कि विज्ञान आपका, मैथ्स, ये तो कहोगे सर ये तो नवोदय में भी आया था, साथ में एक चीज आपकी पड़ जाएगी SST या फिर आप इसको कह सकते हो GK यानी कि जनरल नॉलेज, सभी के लिए सेम है, ठीक है। हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और GK के 20 क्वेश्चन। जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की तैयारी की है उनके लिए इतना पोर्शन, 4 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ, इसमें खास पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब पढ़ाई का मतलब क्या, आपको केवल रिवीजन ही करना है क्योंकि साल भर से आप पढ़ ही रहे हो। आपके पास मेन चीज आती है वो है आपका GK। फिलहाल हम लोग इसकी जो तैयारी करेंगे, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन के, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं है,
निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो भाई सबसे बढ़िया चीज है कि भाई आप इस फॉर्म को, जो भी यूपी बिहार के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्लास सिक्स के लिए वाले के लिए भी, क्लास नाइन्थ के लिए भी और क्लास इलेवंथ के लिए भी। ठीक है, ये वीडियो सभी क्लास के बच्चों के लिए है, तो सभी को शेयर कर देना, जो भी आपके क्लास में या आपके रिलेटिव्स होंगे यूपी बिहार के खासकर, वो सभी का सभी शेयर कर देंगे। इसका जो एग्जाम सेंटर होगा, ठीक है, इसका जो एग्जाम सेंटर होगा वो बेसिकली वाराणसी होता है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो और कौन कौन से सेंटर बनेंगे उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो ये रही भैया सारी की सारी बातें, मतलब 5 से 6 मिनट में मैंने आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में सब कुछ बता दिया है, जवाहर नवोदय विद्यालय सॉरी आदत पड़ी है, सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो भी गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अभी से तैयारी में लग जाए, क्लासेज आपकी रेगुलर शुरू होंगी बहुत ही जल्द, आप लोगों को 1 से 2 दिनों के अंदर में आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कौन सी क्लास किस टाइम की चलेगी, क्लास सिक्स के लिए भी और क्लास नाइन्थ के लिए भी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, सेंट्रल हिंदू स्कूल या फिर जो बच्चे 2025 जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल शुरू से सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो बिल्कुल इन 2 से 3 महीनों में पूरा वेल प्रिपेयर हो जाइए, ताकि आप इन 3 महीनों में ही 2025 के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलो फिर बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। लेकिन हाँ ये बात बता देता हूँ कि भाई अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, बाकी वीडियो तो आपको दोनों जगह लाइक करना ही करना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।